बजट गॉट लीक, निफ्टी एंड सेंसेक्स शेयर बाजार हुआ फिर क्रैश। तो कुछ न्यूज़ आ रही है कि बजट लीक हो चुका है। ओके, क्या हुआ है कि कंटिन्यूसली पिछले 4 और 5 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिरते जा रही है। आज ही मार्केट गिरी है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरे बाजारों में कोई गिरावट नहीं है, बट हमारे बाजारों में गिरावट है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ओके, जान लीजिए ओके क्या वीडियो में है एग्जैक्टली। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप उन्हें भी इसी वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो जैसे कि हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, हमने कल से ही एक नई चीज़ शुरू करी है। तो जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, ये डोनेशन फॉर श्री राम जन्मभूमि टेम्पल लिंक, तो यहाँ पर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जो कि हमारे श्री आराध्य श्री रामचंद्र जी के डोनेशन से रिलेटेड है। तो वो जो आपको डायरेक्ट सीधी उनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और नीचे यहाँ पर आपको इनके बैंक अकाउंट एज वेल एज UPI ID मिलेगी। तो आप इसे स्कैन करके आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, और आप हमारे राम मंदिर बनाने में हेल्प करिए। तो इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, सेबी रजिस्टर है, 0 डिलीवरी चार्जेस है। एज वेल एज अगर बात की जाए, इसने अब अगर आप अभी अकाउंट ओपन कराते हैं 30 डेज़ के लिए आपकी कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स आज के दिन 937 पर, मतलब लगभग 2% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। और अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें ना, तो जैसे कि 50,000 का इसने लेवल क्रॉस किया, और लेवल क्रॉस करने के बाद देखिए लगभग 5 और 6% की, 5.5% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ निफ्टी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी में भी डायरेक्ट इसी तरीके की गिरावट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी लगभग 2% की गिरावट है, और अगर हम इसके हाई से देखें तो यहाँ पर भी लगभग 5.5% की गिरावट, 800 पॉइंट की गिरावट लगभग दिखाई देती है। एज वेल एज अगर हम निफ्टी बैंक में भी देखें, तो निफ्टी बैंक में भी आज के दिन लगभग 3% की बिकवाली, 1000 पॉइंट नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न कुछ न्यू आ रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं, ओके ये मेरी मुझे भी नहीं पता, बट बताया जा रहा है कि बजट जो हम आने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है बजट क्या है, तो हमारा 1 फरवरी को मतलब मंडे के दिन जो मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, कल एक लास्ट ट्रेडिंग डे है, कल एक्सपायरी डे भी है, ओके मंथली एक्सपायरी है, उसके अलावा फ्राइडे है, और फिर मंडे को जब ओपन होगी मार्केट फरवरी में फर्स्ट ऑफ फेब को, तो यहाँ पर बजट है। तो उस बजट, जैसे कि ये बजट आप देख सकते हैं, तो ये बजट की न्यूज़ आ रही है कि बजट लीक हो चुका है। ओके, किसी को इनसाइड पता चल गया है कि बजट में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ओके, तो कह रहे हैं कि बजट यहाँ पर लीक हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लोग कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पर देखें तो गिरावट पे गिरावट आपको नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए हमारा जो मार्केट है, ओके खासकर किससे चलता है? डोजोन्स से चलता है। ओके, उसके हिसाब से नहीं चलता, उसके हिसाब से देखिए अमेरिकन जो बाजार होता है उसकी जो नज़रें होती है, पूरा वर्ल्ड उसे कॉपी करता है। ओके, अगर हम यहाँ पर डोजोन्स को भी अगर हम यहाँ पर देख ले, अगर मैं आपको डोजोन्स भी दिखाऊं, तो देखिए कल के दिन में केवल और केवल 22 पॉइंट्स की, मतलब 0.075% की यहाँ पर गिरावट देखी गई थी। और अगर हम यहाँ पर अगर हम फ्यूचर भी देखें डोजोन्स का, तो यहाँ पर डोजोन्स के जो फ्यूचर है, देखिए अभी यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, बट जब हमारी मार्केट गिरी थी उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी ही गिरावट थी, इतनी गिरावट नहीं थी जितनी गिरावट हमारे यहाँ पर मार्केट में देखी गई थी, लगभग 2% की गिरावट यहाँ पर 250 पॉइंट निफ्टी में, और 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में, और बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट के आसपास। और एज वेल एज हम यहाँ पर फॉरेन मार्केट की भी बात करें, देखिए FTSE, तो यहाँ पर ये भी लगभग 0.62% ही गिरा है। एज वेल एज और दूसरे यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें, जैसे डैक्स, ओके यहाँ पर भी लगभग 0.94% की गिरावट है, यहाँ पर 0.59, मतलब ये जो मार्केट गिरी है ना, यहाँ पर दूसरे जो भी है यूरोपियन मार्केट, यहाँ पर केवल थोड़ी सी ही गिरावट है। ओके, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिया की मार्केट सेंसेक्स निफ्टी, तो यहाँ पर जो गिरावट है ड्यूरिंग द मार्केट, जो ये FTSE और ये दूसरे यूरोपियन मार्केट बिल्कुल थोड़े थोड़े गिरे हुए थे, कुछ पॉइंट्स में ही गिरे हुए थे, बट यहाँ पर हमारी मार्केट
एक एक दो 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 परसेंट के आसपास गिर चुकी हैं, और कंटिन्यूसली पिछले 4 दिन से अगर 5 ट्रेडिंग डे की बात की जाए जब से हाई बनाया है सेंसेक्स ने, उस दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पर मार्केट गिरती जा रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं डरे हुए हैं और वो कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं। और न्यूज़ आ रही है कि जैसे कि बजट यहाँ पर लीक हो चुका है, किसी को पता चल गया है कि बजट में कुछ उनके एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आने वाला, तो इस तरीके से सेलिंग चल रही है। बट यहाँ पर अगर हम कुछ डेटा देखते हैं, डेटा इन द सेंस अगर हम कुछ डेटा देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल DIS का, तो देखिए पिछले 2 दिन से DIS और FIS ओके फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स दोनों के दोनों ही पैसा निकाल रहे हैं, बट उस तादाद में पैसा नहीं निकाल रहे जिस तादाद में वो और पहले निकाला करते थे। अगर हम अभी तक तो देखिए यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी तक यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी पुराना ही 25 जैन का दिखा रहा है, तो 25 जैन में भी देखिए यहाँ पर पहले DIS कितने थाउजेंड ऑफ करोड्स में निकालते थे ओके, और यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डालते जा रहे थे पैसे यहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए। बट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ओके यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले 600 कुछ करोड़ रुपये निकाल रहे थे और अभी 765 करोड़ रुपये, और अभी ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है, जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर भी थोड़े बहुत यहाँ पर पैसा निकालते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 1:30 होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जैसे ही अंग्रेज लोग जागते हैं तो वहाँ पर गिरावट होनी और ज़्यादा शुरू हो जाती है ओके, तो उससे पता चल जाए कि चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो पैसा निकालना उन्होंने शुरू हो गया है। बट आज का डेटा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कैसे चेक करते तो वो सिंपल FIIS और DIS का डेटा वहाँ पर गूगल पे लिखेंगे तो आपको इस तरीके का डेटा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से डेटा फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना आजकल निकाला है या कितना उन्होंने डाला है, तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कितना पैसा उन्होंने मार्केट में डाला है। तो यही था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बजट है ओके, जो मंडे को आपको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ओके निर्मला सीतारमण जी बताते हुए मिलेंगी, तो वो कुछ लीक हो गया है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है ओके, ऐसा इजीली नहीं होता कि कोई लीक कर दे। हाँ कुछ लोग प्रिसेप्शन कर सकते हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो वो बात कह सकते हैं कि हाँ शायद कुछ इम्प्रेसिव नहीं होने वाला बजट में, जैसे कि बात की जा रहा है कि पिछले 100 साल से भी अच्छा इम्प्रेसिव ऐसा बजट पिछले 100 साल में नहीं देखा हुआ, तो ऐसे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा ना उतरे तो ये हो सकता है, बट ये नहीं होगा कि बजट लीक हो चुका है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बजट लीक हो गया है, वो सबकी अपने अपने परसेप्शन है, बट जैसे कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है तो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है आपको फ्यूचर में डेफिनेटली फ़ायदा हो गया ही होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पैसा यहाँ पर निकाले, बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, और प्लस में इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर का मतलब ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, और आप अगर पैसा आपका बजट आपका पोर्टफोलियो अगर हाफ भी आ जाता है ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहीं कैरी ऑन करना और आगने वाले टाइम में देखना कि आपके जो पोर्टफोलियो है ओके उसी तरीके से बढ़ेगा, जैसे एक एक छोटा पौधा लगाते हो और फिर बढ़ता जाता है उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है। बट उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है कि आपका जो पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होने चाहिए दो शुड बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होने चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो IT के, जो फंडामेंटली TCS इंफोसिस SCL विप्रो इस तरीके के स्टॉक होने चाहिए, HDFC HDFC बैंक ICICI बैंक कोटक महिंद्रा बैंक इस तरीके के आपके बैंकिंग इस बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व NBFC ओके ऑटो के बजाज ऑटो ओके मारुति सुजुकी इस तरीके कार की कंपनी इस तरीके से जो ये स्टॉक्स है आपके अगर पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ओके, वो नीचे रहेंगे, वो नीचे वॉलीटिलिटी देखिए होती रहती है, और ऐसी गिरावट ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आई है, ऐसी गिरावट अगर आप हम मैक्सिमम भी देखते हैं तो हर बार आती रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट फिर थोड़ी बहुत गिरावट, यहाँ पर फिर गिरावट, यहाँ पर फिर गिरावट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या गिरावट थी, फिर इसके बाद मार्केट बढ़ा, फिर गिरावट, फिर देखिए बढ़ा, फिर गिरावट, फिर बढ़ा, फिर गिरावट, फिर बढ़ा, फिर गिरावट, फिर बढ़ा, फिर गिरावट, फिर बढ़ा, फिर गिरावट, और यहाँ पर देखिए फिर इस तरीके की 2008 में जो गिरावट थी फिर दोबारा इस तरीके की गिरावट, और उसके बाद देखिए मार्केट टॉप पर, और अगर हम ऐसे नहीं पता चलेगा बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर टॉप पर गया, फिर यहाँ पर एक छोटी सी गिरावट, बट आगे चल के फाइनली होना क्या है, कितनी भी गिरावट हो मार्केट को जाना ऊपर ही है,
इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत कैश होल्ड करके रखिए, जब भी मार्केट गिरे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को बाय ऑन डिप्स किया जाए, और बाय ऑन डिप्स करेंगे आप तो इस तरीके का प्रॉफिट आपको ही होता हुआ मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंसेक्स की चाल भी क्या है, आज 500 पॉइंट्स का सेंसेक्स आज 50,000 तक क्रॉस कर चुका है, और बट अभी 47 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट हर बार हुई है, बट उसका पॉइंट, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है ऊपर बढ़ते रहना, तो उसी तरीके से भी ये ऊपर बढ़ता ही रहेगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, ओके, और लोन लेके पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि अगर मार्केट यहाँ से गिर गई तो विद इन ईयर आपको इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं। इसे पूरा होने में जो इतना मतलब इधर से इधर होने में, मतलब हाफ से फुल होने में सालों लगते हैं, सालों, बट विद इन 8 और 9 मंथ्स में जिस तरीके से देखा गया है, तो ऐसे लोन लेके पैसा नहीं, अपना जो पैसा है वो लगाइए, जो आपको यूज़ करनी है, जो आपको लग सकता है कि 4-5 साल मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा पैसा यहाँ मार्केट में लगा दीजिए। फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर पैसा कमाने वाले स्टॉक्स, इसी ही जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये आपको करोड़पति और लखपति बना के दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को, जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।